ब्रह्मा शंकर शंभु से भी ध्यान न जिनका संभलते देखा, उनको ही ब्रज की करील कुंज में नंगे पांव है चलते देखा। नंगे पांव बिना पादुका पहने कांटों में पत्थरों में नंगे पांव प्रभु चले। किसी ने पूछा कई भाव हैं भगवान पादुका क्यों नहीं पहनते, एक मुख्य तो ये था कि गाय गौ माता जब तक पादुका नहीं पहनेंगी तो मैं भी नहीं पहनूंगा, और एक भाव ये भी था कि जब कृष्ण से पूछा कि कृष्ण तुम पादुका क्यों नहीं पहनते, चप्पलें क्यों नहीं पहनते, तो प्रभु ने कहा कि मैं जब घर से निकलता हूँ तो ये ब्रज की सारी गोपांगनाएं अपना अपना दिल निकाल करके मेरे स्वागत में बिछा देती हैं, और इनके दिल पर मैं चप्पल रखूँ पादुका रखूँ ये मैं नहीं कर सकता, इसलिए प्रभु नंगे पांव ब्रज में घूमते। और वैसे भी ये भाव हो गया गोपियों का, एक भाव हो गया गाय का, और एक भाव हो गया राधा रानी का। हमारे रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि ब्रज क्या है, श्री राधे हृदिते रसेन जटिमाम, राधा रानी का हृदय ही ब्रज भूमि है, राधा रानी का हृदय ही वृंदावन है। इसीलिए तो ठाकुर उस वृंदावन की रज को उठा के हृदय से लगाते, क्योंकि उनको पता है ये राधा रानी का ही हृदय है ब्रज धाम, इसलिए उस माटी को अपने हृदय से प्रभु आलिंगन करते। राधा रानी की चरणों को वृंदावन की निकुंज में श्री ठाकुर जी अपने मस्तक पर मोर मुकुट के ऊपर धारण करते। यत किंकरीसु बहु सखल काकुवानी, पूछ रहे हैं कहाँ खड़े हैं भगवान, तो कहा कि प्रिया जी के चरणों में खड़े हुए हैं, राधा रानी के चरणों में। काकुवानी मतलब चरणों में बैठे बैठे राधा रानी की चापलूसी कर रहे हैं, काकुलुवानी, मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, अपना साधन सिद्ध करने हेतु चरणों में बैठे हैं, लेकिन राधा रानी मान किए हुए श्री कृष्ण से माननी हो करके बैठी है। फिर भी ठाकुर जी राधा रानी को मनाने में, उनको प्रसन्न करने में लगे हैं। जहाँ जहाँ राधा प्यारी धरत चरण, पिए तहाँ तहाँ नयन के पावरे बनावे हैं। जहाँ जहाँ राधा अपने चरणों को रखती है, ठाकुर अपने नयनों के पावरे बिछा देते हैं श्री राधा रानी के चरणों की सेवा में। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।